नमस्कार, मी स्मिती, विकेबी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. बुलेटिनला सुरुवात करण्याआधी नजर टाकूया हेडलाईन्सवर. फुले मार्केटमधील सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश, सामाजिक सुरक्षा विभागाची कारवाई. गोंदियात केमिकल कंपनीला भीषण आग, आगीत लाखोचे नुकसान. आयटी पार्क ते माटेचौक परिसरातील अतिक्रमणावर कारवाई, अखेर अतिक्रमणावर कारवाई. ताजुद्दीन बाबा ट्रस्टचे चेअरमॅन पॅरे खान यांचा वाढदिवस, वाढदिवस निमित्ताने आरोग्य शिबिराचे आयोजन. आता सविस्तर वृत्त. कॉटन मार्केट परिसरात प्रसिद्ध फुले मार्केटमध्ये घाऊक भाजीच्या दुकानाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या सेक्स रॅकेटचा नागपूर गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाने शुक्रवारी पर्दाफाश केला. जोशी ट्रेडर्सचे मालक जय महादेव जोशी 42 वर्ष, राहणार रामकृष्ण नगर, उमरेड रोड, दिघोरी, याला अटक करण्यासोबतच पोलिसांनी छाप्यामध्ये 2 महिलांची सुटका केली आहे. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार फुले मार्केटमधून सेक्स रॅकेट चालवल्याची गुप्त माहिती SSBच्या पथकाला मिळाली होती. माहितीची पुष्टी केल्यानंतर पोलिसांनी जोशी ट्रेडर्सवर छापा टाकला आणि त्याचा मालक जयकिशोर हा भोळ्या बाबळ्या महिलांना पैशाचे आमिष देऊन देहव्यवसायासाठी प्रवृत्त करत असल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आहे. अनैतिक तस्करी कायद्याच्या कलम 4, 5 आणि 7 सह वाचलेल्या IPC कलम 370 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही कारवाई PI कविता इसरकर, PSI महेंद्र धोटे, पोलीस कॉन्स्टेबल प्रकाश माथनकर, लक्ष्मण चौरे, शेषराव राऊत, अजय पोवनीकर, अश्विन मांगे इत्यादीच्या नेतृत्वाखाली SSBच्या पथकाने केली. अविनाश बजाज यांच्या मालकीची केमिकल कंपनीमध्ये फर्निचर इत्यादीसाठी केमिकल पॉलिश तयार केले जात होते. पहाटे अचानक कंपनीत आग लागली व या आगीत लाखोचे नुकसान झाले असून काही प्रमाणात एक तरुणही जळाला आहे. शहरातील कुलचूर नाका परिसरात एका केमिकल कंपनीत भीषण आग लागल्याची घटना आज सकाळी 7 च्या सुमारास उघडकीस आली. सुदैवानं या आगीत कुठलीही जीवितहानी झाली नसली तरी आर्थिक नुकसान मात्र मोठ्या प्रमाणात झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गोंदिया गोरेगाव मार्गावर कुलचूर टोल नाका परिसरात गोंदियातील अविनाश बजाज यांच्या मालकीची ही केमिकल कंपनी असून या ठिकाणी फर्निचर करता वापरण्यात येणारे केमिकल पॉलिश आदी साहित्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली असावी अशी शक्यता त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. बजाज यांच्या मते यात त्यांचे जवळपास 50 लाख रुपयाचे अधिकचे नुकसान झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मागील अनेक दिवसापासून सोनेगाव झोन हद्दीत अवैध अतिक्रमणाच्या तक्रारी सोनेगाव झोनला मिळत होत्या. अखेर सोनेगाव झोनने यावर अंमलबजावणी करत IT पार्क ते माटेचौक परिसरातील रोडवरील आणि फुटपाथवरील ठेल्यावर कारवाई करत अतिक्रमणाचा सफाया केला आहे. IT पार्क ते माटेचौक परिसर हा सोनेगाव झोन अंतर्गत येत असून परिसरातील रोड आणि फुटपाथवर फूड स्टॉल, शीतपेयाचे स्टॉल आणि इतर प्रकारचे स्टॉल लावण्यात येत होते. यात त्याचाच परिणाम म्हणजे दुचाकी, चारचाकी रस्त्यावर पार्क करून ठेवल्या जात होत्या. ट्रॉफिक जाम होत होता आणि या संदर्भात अनेक तक्रारी या सोनेगाव झोनला प्राप्त होत होत्या. सोनेगाव झोनने येथील अतिक्रमणावर कारवाई करत येथील अतिक्रमणाचा सफाया केला आहे. वाहतूक सोनेगाव परिमंडल में हमें बहुत सी कंप्लेंट प्राप्त हो रही थी. IT पार्क से लेके माटे चौक के बीच में वाले रोड के ऊपर में कई तरीके से पाकर्स वालों ने अवैध अतिक्रमण करके कुछ फुटपाथ पे और रोड के ऊपर में अतिक्रमण किया था और जिसके वजह से यहाँ पे उनके कस्टमर है वो भी 4-व्हीलर 2-व्हीलर लेके आके रोड उनके सामने लगा के रोड के ऊपर में ट्रैफिक जाम कर रहे थे. इसके लिए आज हमने यहाँ पर निरीक्षण किया तो हमें मालूम पड़ा, दिखाई दिया कि यहाँ के जो फुटपाथ है और सामने के जो रोड है यहाँ पे बहुत से हॉकर्स वालों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ था और उन्हीं के सामने में कुछ 2-व्हीलर 4-व्हीलर पार्क थी जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक को अवरोध निर्माण हो रहा था. इसलिए आज हमने यहाँ पे ट्रैफिक सोनेगांव जोन की तरफ से यहाँ पे हमने आज कार्रवाई की है. हमने महाराष्ट्र पुलिस कायदा अन्वय जो हॉकर्स है उनके ऊपर कार्रवाई की है. वैसे यहाँ पे जो रोड के ऊपर में व्हीकल खड़े करके जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे थे उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई की है. हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्टचे चेअरमॅन पॅरे जिया खान यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने शनिवारी मोठा ताजबाग परिसरात आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या दरम्यान मोठ्या संख्येने लोकांनी या शिबिराचा लाभ घेतला असून पॅरे खान यांना भरभरून शुभेच्छा दिल्या. या प्रसंगी VKB न्यूजतर्फे घेण्यात आलेल्या मुलाखतीत त्यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे.
ताजबाग ट्रस्ट के चेयरमैन ऑक्सीजन मैन के नाम से फेमस प्यारे खान साहब का जन्मदिन है, उनको वीकेबी की टीम के तरफ से पूरी जन्मदिन की बधाई। क्या खास आयोजन आज यहाँ पे कैंप है, आरोग्य शिविर है, स्वास्थ्य शिविर का कैंप है? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है ये कि सुबह से लेके अभी तक तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग अपना चेकअप करा चुके हैं और कई लोगों को चश्मे मिल चुके हैं। उसके बाद तुम्हारा स्वास्थ्य जो संबंधित जितनी भी यानी कि तकलीफें थी, इस टाइप का शिविर यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। हजरत बाबा की आप शरण में हैं और ऐसे में बहुत गरीबों को स्वास्थ्य शिविर का लाभ, क्या मैसेज देना देने की कोशिश? देखिए, ये हर मेरे ख्याल से जितने भी जो पैसे वाले लोग हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या गरीब जो होते हैं वो किसी ना किसी की तरफ अपनी आँख से देखते हैं, तो मेरा उन सब जितने भी पैसे वाले हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका जन्मदिन हो या कोई भी खुशी का त्यौहार हो या किसी भी चीज़ की आपको खुशी हो तो वो इन गरीबों के साथ मिलके ही मनाएं। जैसे कि आप देखते हैं हमारे देवेंद्र जी या गडकरी जी या जितने भी बड़े लोग हैं, सेवा भाव जो लोग होते हैं, तो वैसे ही करना चाहिए और यही असली सेवा है। वर्षों से आप देखते आ रहे खान साहब इस परिसर को, सारी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से ये दौर आया हुआ है, आपने जब से कमान संभाली है, ये सारी चीज़ें देखी कि हॉस्पिटल आ गया है यहाँ पर, गरीबों के लिए सेवाएं आ गए हैं, खुद को कितना खुशनसीब मानते हैं कि ये काम आपको मिला? देखिए, मैं सबसे पहले बाबा जान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बिठाया, और ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि ये काम उन्होंने मेरे हाथ से लिया। अब शुरू हो गया है तो अब तो चलता रहेगा, इसको कोई बंद नहीं कर सकता, और ये सरकार बाबा ताजुद्दीन का करम है कि वो उन्होंने गरीबों के हक में ये मेरे को यहाँ लाके ये बड़ा यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी। आगे में किस तरह से इसके विकास को देखते हैं, क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल आया, सारी चीज़ें आई, जब भी इस कौम के विकास की बात की जाती है तो कई तरह के सवाल आप पर दागे गए, चुनाव का मौका था, लेकिन बावजूद इसके आप रुके नहीं और बदस्तूर ये सारी चीज़ें चल रही है। देखिए, नितिन जी का एक सपना है कि यहाँ पे 400 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, तो बस वो सपने को मैं पूरा करने जा रहा हूँ और उसकी एक छोटी सी शुरुआत है। देखिए, उन्होंने मुझे बताया कि गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए और इनका कौन है, इनका इनके सोचने वाला कौन है, तो ऐसा उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं जो गडकरी जी ने बोला है। सपना आपने देखा था कि इस तरह से लोग आए यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर में, इस जगह का लाभ लें? नहीं, ये मेरे को भी बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है कि इतनी सारी जो भीड़ है यहाँ फर्स्ट टाइम आई है, और उधर भी एक कैंप चल रहा है, एक कैंप, ऐसे तीनों चारों कैंप चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है, और अगले साल से हम इसको इंशाल्लाह काफ़ी बड़े पैमाने पे इसको बढ़ाएंगे। महिलाओं से भी जान लेते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, हुआ था, लेकिन उससे अच्छा इस बार अच्छा लग रहा है। हाँ, खान साहब के बारे में तो बहुत दुआ है और उनको जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया उनका, तो अल्लाह ताला खूब लंबी उम्र दे उन्हें, उम्मीद खूब लंबी उम्र दे और ऐसी लोगों की सेवा करने का मौका दे। क्या कहेंगे अभी? नहीं, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। बीकेबी न्यूज़ की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी तरक्की करते रहे और लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब का बर्थडे था, पहले तो उनको विश किया, रात में 12 बजे कॉल किया, फिर कॉल करने के बाद गिफ्ट क्या दूँ वो सोचा, तो सारे गिफ्ट मुझे नहीं समझ में आए, तो मैंने क्या किया, 10 किलो की बिरयानी बनाया हूँ मैंने, वहाँ से रेडीमेड खरीदी है, और हमने मेवा हॉस्पिटल में उसको पूरा सर्व किया गरीब लोगों में, जो पेशेंट वगैरह थे सब चीज़ों को। वो तो खान साहब का बोलना ही वही है कि आप सिर्फ कौम की खिदमत करो, तो हमने गिफ्ट देने के बजाय वहाँ से हमने खिदमत ही की, और खान साहब को भी लगा कि ठीक है, अच्छा करें, और आगे भी हम चाहते कि खान साहब हमको ये सब खिदमत करने का मौका दें। कि हम तो कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह इससे बेहतर करेंगे, और हमारी कौम के लिए और हमारे लोगों के लिए, और ऐसे मौके पे इंशाल्लाह ज़रूर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। हाँ, इनके वजह से बहुत लोगों में यानी इंश्योर हुए लोग, यानी समझदारी लोग ला रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं इनके साथ में, तो हम कोशिश ये करें कि सबको जोड़ के इंशाल्लाह एक अच्छा सा भुगतान लोगों को दे, लोगों को बताए कि भैया ये कौम आप आगे बढ़ने चाहती है। जी, बहुत बहुत दिल से सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर को, और सर ऐसे ही सब अच्छे नेक काम करते रहे, और सर की वजह से लोगों को इन्हें मेडिकल कैंप वगैरह की फैसिलिटी मिलते रहे हमेशा। नेकी में तो दुआ ही देंगे, जहाँ नेक काम करोगे आप, अगर आपका दुश्मनी भी है वो तो आपको दुआ ही देगा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम वही समझता है, और उसमें अगर आप हेल्प करते हो तो बेहतर रहता है कि वो दुआ ही देता है, चाहे कोई भी हो। और खान साहब के लिए मैं 2 वर्ड कहूँगा कि जो मुस्लिम समाज है, ये मुस्लिम समाज एक इस्लाम का दिया है, तो ये दिया जो है, दिए में अलग 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 लोग एक दिए का रोशनी देने का काम करते, लेकिन खान साहब ने आज वो काम किया जो
पूरे इंडिया को बोलो या पूरे नागपुर को बोलो, एक बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। कोई पार्टी इतना पावर नहीं देती है, कोई पार्टी इतना काम नहीं करती है जितना नागपुर में खान साहब ने किया है। हमारी लाइब्रेरी का काम है, हमारे स्पोर्ट्स का काम है, हमारे एजुकेशन का काम है। मैक्सिमम काम अगर कोई भी लोग चेक करना चाहता है तो बेशक चेक कर सकता है। खान साहब ने अपने दिल से, अपने पैसों से, अपने यानी हेल्थ वेल्थ सारी चीज़ें उन्होंने लगा दी उसमें, और वो काम किया है। और वो काम हमने डॉक्यूमेंट्री देखा, ऐसा नहीं कि हवा में बात किया है। अभी तक के हम आश्वासन पे रहे, लेकिन अब आश्वासन पे नहीं रहेंगे, हम डॉक्यूमेंट्री चेक करते हैं। खान साहब की हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री चेक किया और उन्होंने हमको प्रूफ के साथ बताया कि हमने ये काम करके दिया, उसके बाद हम लोग उनसे जुड़े हुए। तो कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मुकेश हेडाव, VKB न्यूज नागपुर। आता घेऊया एक छोटासा ब्रेक। ब्रेक नंतर पुन्हा आपले स्वागत। केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यापूर्वी शेतकऱ्यांना गिफ्ट दिले आहे। कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे। आता शेतकऱ्यांना कांदा निर्यात करता येणार आहे। 40% निर्यात शुल्क लावून कांद्याची निर्यात करता येणार आहे। या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा फडणवीसांनी आभार व्यक्त करत स्वागत केलं आहे की केंद्र सरकारने आम्ही जी मागणी वारंवार करत होतो ती मान्य केली आहे आणि कांद्यावरची निर्यात बंदी आता केंद्र सरकारने परत घेतली आहे। यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे। सकाळपासून ज्या काही बातम्या येत आहेत तुमचे चॅनल्सवर मी बघतो आहे, मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे भाव वाढत आहेत, त्याचा फायदा हा निश्चितपणे शेतकऱ्यांना मिळेल। आणि केंद्र सरकारचे मी मनापासून आभार मानतो की केंद्र सरकारने निर्यात बंदी उचलली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मी अजित दादा, आम्ही सगळे सातत्याने केंद्र सरकारच्या पाठीमागे लागलो होतो। केंद्र सरकारला आम्ही विनंती केली होती की शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे, त्यामुळे ही निर्यात बंदी आपण उचलली पाहिजे आणि त्याला प्रतिसाद केंद्र सरकारने दिला आहे, याचा मला मनापासून आनंद आहे। महानगरपालिकेचा वाठोळा परिसरात असलेला 1800 हेक्टरचा भूखंड केलवानी मंडळ या संस्थेला 1 रुपया प्रतिवर्ष लीजवर दिला जाणार आहे। यावर काँग्रेसचे विकास ठाकरे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे। ते म्हणाले की महानगरपालिकेने यावर आधी जनप्रतिनिधीसोबत चर्चा करायला हवी होती, यातून महानगरपालिकेला काय फायदा होतो हे बघायला पाहिजे होतं, नंतर प्रस्ताव पाठवावा अशी मागणी विकास ठाकरे यांनी केली। संस्थेला 1800 हेक्टरचा भूखंड महानगरपालिकेने 1 रुपये प्रतिवर्ष लीजवर दिला असा प्रस्ताव महानगरपालिकेने शासनाला पाठवला, शासनाने मंजूर करून मला वाटते 16 मार्चला नागपूरला पाठवला। आता नागपूर महानगरपालिकेत प्रशासक आहे, सभागृह नाही आहे, कुठलेही नगरसेवक नाही आहे। मला वाटते अशा विषयांवर सभागृहात चर्चा व्हायला पाहिजे। सत्ता पक्ष, विरोधी पक्ष यांनी या चर्चेतनं निष्पन्न व्हायला पाहिजे की महानगरपालिकेची एवढी जागा दिल्यानंतर महानगरपालिकेला काय फायदा होणार आहे, या शहरातील जनतेला काय फायदा होणार आहे, आणि त्यानंतर कोणत्या संस्थेला ही जागा द्यायला पाहिजे। परंतु तशी कुठलीही जनप्रतिनिधींशी चर्चा झाली नाही आणि हा प्रस्ताव गेला, प्रस्ताव पारित होऊन आला आणि शासनाने त्याचा GR सुद्धा काढला। मला वाटते की याच्या मागे कोण आहे, काय आहे, का बरं आहेत त्यांना अशी गरज भासली की एकदम हा सभागृह नसताना पाठवून द्यावा। वाट पाहायला पाहिजे होती याच्या 5-6 महिन्यात महानगरपालिकेची निवडणूक होईल, जे कोणी सभागृहात नगरसेवक येतील ते चर्चा करतील आणि त्या चर्चेतनं काय निष्पन्न होते ते शासनाकडे पाठवेल। परंतु परस्पर हे पाठवणं मला वाटतं की योग्य नाही। महानगरपालिकेची जागा ही शहरातल्या जनतेची प्रॉपर्टी आहे, शेवटी जनतेला काय फायदा आहे, आपण जनतेकडनं टॅक्स घेतो आहे। आणि जर महानगरपालिकेला ही जागा देऊन महानगरपालिकेच्या तिजोरीत चांगली रक्कम येत असेल तर काहीच हरकत नाही, परंतु फक्त 1 रुपया मिळणार आहे, तर एवढी घाई कशाला झाली हा माझा सवाल आहे। आणि जर ही द्यायची आहे तर त्याचं तुम्ही सभागृहात चर्चा होऊ द्या, नंतर प्रस्ताव पाठवा शासनाकडे, अशी माझी मागणी आहे।
संशयावरून अटक केलेला एक युवक सराईत गुन्हेगार निघाला. यशोधरा पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता 2 वाहन चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले आहे. पोलिसांनी त्याला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे. परसों के दिन हमारे डीबी पथक पेट्रोलिंग कर रहे थे तो एक संशयित आरोपी मिला था. उसके पास में जो गाड़ी मिली थी वो गाड़ी पे डाउट आया गया था. उसकी गाड़ी की डिटेल्स निकाली गई तो चोरी की गाड़ी निकली थी. उसके पास में स्प्लेंडर गाड़ी मिली थी. आरोपी का नाम है आर्यन मेशरम करके, वो केसर का रहने वाला है. रिकॉर्ड पे का आरोपी है वो. उसके पुलिस थाने में ला के अच्छे से पूछताछ की तो और उसके पास में एक एक्टिवा गाड़ी भी मिल गई. उसे कुल मिला के 2 गाड़ियाँ उसके पास से जब्त किया गया है और आरोपी को अभी MCR पे भेजा गया है. ये रिकॉर्डेड आरोपी है और ये बाइक चुराता है और अपना शौक पानी पूरा करने के लिए गाड़ी छोड़ देता है जाके. नहीं, ये सिंगल ही गुन्ही करता है, अकेला ही रहता है और कई जगह पे जाके ये गिरवी रखने का प्रयास करता है, वहाँ से पैसे उधार लेने का, उधार में खाना पीना करने का और ये गाड़ी जो चुराई गाड़ी है वो गिरवी रखने का, ऐसा उसका अभी तक की मोडस है. हमारे यहाँ के यशोधरा के डीपी पथक के PSI राहुल राठौड़, हेड कॉन्स्टेबल राहुल गोंदरे, प्रफुल्ल चिंतले, संदीप वानखड़े और सितेश चौरासिया और मनीष चरकर, इन्होंने ये कामगिरी की. गडकरी हे प्रचार सभेच्या निमित्ताने कोल्हापूर दौऱ्यावर आहे आणि आज त्यांनी कोल्हापूरच्या प्रसिद्ध श्री अंबाबाई देवीचे दर्शन घेतले. दर्शनानंतर पत्रकारांशी बोलताना गडकरी काय म्हणाले बघा. आज मला विशेष रूपाने कोल्हापूरच्या देवीचा आशीर्वाद घेण्याची संधी मिळाली. माझी खूप इच्छा होती की मी दर्शन घ्यावं. अनायसे निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने इथे आगमन झालं आणि मला आज हा अवसर मिळाला. मी देवीच्या चरणी एवढीच प्रार्थना केली आहे की आपल्या देशाला सुखी समृद्ध संपन्न व्हावा, विशेषतः गाव गरीब मजदूर शेतकरी यांचं कल्याण व्हावं आणि देशाचा आपला देश हा विश्वगुरू आहे, तसा आर्थिकदृष्ट्याही पण जगातली तिसरी आर्थिक महासत्ता व्हावं आणि गरिबी भूकमरीपासून देशाला बेरोजगारीपासून मुक्ती मिळावी अशी देवीच्या चरणी प्रार्थना केली. नमस्कार. महाराष्ट्र आपल्या हातातून चालले मोदींना लक्षात आलंय आणि शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचे महाराष्ट्रातील आलेले वादळ शांत करण्यासाठी 10 वर्षानंतर मोदींनी मुलाखत दिली अशी मोदींच्या सभेनंतर जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुलाखत दिली नाही आणि निवडणुकीत महाराष्ट्र हातातून गेलाय ते लक्षात आल्यावर त्या दुरुस्त्या करण्यासाठी मुलाखत द्यायची पाळी आली. यातच शरद पवारांचा विजय आहे असं मला वाटतं. मग उद्धव ठाकरेंचा पक्ष का फोडला? आज सकाळी मी इस्लामपूरहून पुण्यात आलो आणि ते हेलिकॉप्टर सुषमा अंधारेंना आणण्यासाठी गेलं. त्या ठिकाणी बाळासाहेबांचं कर्ज उतरवू शकत नसते तर मग त्यांनी बाळासाहेबांच्या चिरंजीवांशी आधी चर्चा करायला पाहिजे होती. त्यांचा पक्ष फोडून त्यानंतर सहानुभूती का दाखवत आहे तर सगळ्या महाराष्ट्राची सहानुभूती उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार साहेबांच्या मागे आहे आणि म्हणून आता हे 10 वर्षात पहिलीच मुलाखत ही फक्त उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांचं जे वादळ महाराष्ट्रात तयार झाले ते शांत करण्यासाठी दिली असं माझं मत आहे. फुले मार्केटमधील सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश, सामाजिक सुरक्षा विभागाची कारवाई. गोंदियात केमिकल कंपनीला भीषण आग, आगीत लाखोचे नुकसान. आयटी पार्क ते माटे चौक परिसरातील अतिक्रमणावर कारवाई, अखेर अतिक्रमणावर कारवाई. ताजुद्दीन बाबा ट्रस्टचे चेअरमॅन पारे खान यांचा वाढदिवस, वाढदिवस निमित्ताने आरोग्य शिबिराचे आयोजन. तुर्तास इथेच थांबूया. बघत राहा VKB News. नमस्कार.